लोकसभा चुनाव 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जितने काम किए थे, योगी सरकार ने वो सारे काम बिगाड़ दिए हैं। समय से जो जानकारी मिली है, कई जगह ईवीएम खराब रही है, कई जगह लोग लाइन में लगे रहे और मतदान में देरी लगातार हुई है। इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कहीं सूचना मिलती है तो कम से कम 10 या 15 मिनट के अंदर मशीन बदले हो, जिससे कि समय से और पूरा मतदान हो जाए। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण में मतदान के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से अपना मताधिकार के इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि आज जिन भी सीटों पर मतदान हो रहा है, सभी लोग उन पर मतदान करके लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ज्यादा से ज्यादा युवा मतदान केंद्र पर जाएंगे और मतदान करेंगे। लखनऊ संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी पूनम सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन के बाद पूनम ने रोड शो किया, जिसमें अखिलेश की पत्नी और सांसद डिंपल यादव, शत्रुघ्न सिन्हा और मंत्री अभिषेक मिश्र संग हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। हाथरस के बेहरदोई स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए वोटिंग बूथ में महागठबंधन प्रत्याशी रामजी लाल सुमन ने अपना मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत की आशंका जताई। बहुत अच्छा लग रहा है और रिपोर्ट जो मिल रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र की, बल्कि लोकसभा क्षेत्र की, मैं तो समझ रहा हूँ आंधी आंधी नहीं तूफान है यार, पूरी जगह सब एक तरफ से भाजपा भाजपा मोदी मोदी। लोकसभा चुनाव में लखनऊ से कांग्रेस के प्रत्याशी कल्की धाम अमरोहा के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा देश के वातावरण में नफरत पैदा करना चाहती है, वहीं दूसरी देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहती है। उन्होंने कहा अली और बजरंगबली जैसे बयान आया करते हैं ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा सके। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 3 सीटों दार्जिलिंग, रायगंज और जलपाईगुड़ी पर मतदान जारी है। रायगंज में वोटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने महिलाओं को वोट देने से रोका है, जिसके बाद भड़के हुए लोगों ने विरोध जाहिर करते हुए हाईवे जाम कर जमकर हंगामा किया। वहीं हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर मामले को शांत कराया। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर एक अज्ञात व्यक्ति ने जूता फेंक कर मारा। आपको बता दें कि जीवीएल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल से भाजपा की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर बात कर रहे थे। इस घटना के बाद लोगों ने जूता फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान पता चला कि भोपाल में मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। चुनाव आयोग की 48 घंटे की पाबंदी खत्म होते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग की पाबंदी का उल्लंघन करके सीएम योगी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और दलितों के घर खाना खाने का ड्रामा कर रहे हैं। इन कार्यों से सीएम योगी मीडिया में प्रचार प्रसार कर चुनावी लाभ लेने का गलत प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग उन पर इतना मेहरबान क्यों है। भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कराया है। दरअसल वे राहुल गांधी के उस बयान से नाराज हैं, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी उपनाम पर तंज कसते हुए कहा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। सुशील मोदी का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान के जरिए करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। बुलंदशहर के जनता इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ केंद्र पर एक बेटा अपने पिता को गोद में लेकर मतदान कराने पहुंचा। इस मौके पर युवक ने हजारों की तादाद में शामिल लोगों से अपना बहुमूल्य वोट डालने की अपील की। सर, जैसे आपने बहुमूल्य वोट डाला है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये, सभी वोट डालें अपना, जो कीमती वोट है इसको दिखाएंगे, अपना हमने वोट दिया, बहुत दस्तावेज जिसको दे ठीक है, किसी को भी दे।